तो यार आज का ये कंपैरिजन करके ना बड़ा गुस्सा आ रही है रियलमी वालों पर। अब गुस्सा क्यों आ रही है ये सुन लो, वो प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉइस कैंसिलेशन हटा दिया गया है। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज थी भाई, ये जो है रियलमी वायरलेस 2 में देखने को मिलता था कॉलिंग के लिए। भाई आप ट्रैफिक में भी बात करते थे, नॉइजी कंडीशन में भी बात करते थे, तो बहुत ही अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलता था रियलमी वायरलेस 3 के मुकाबले। प्रेजेंट टाइम बता रहे हैं बहुत ही अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस है रियलमी बड्स वायरलेस 2 में। ऐसा क्यों किया यार, ये चीज इतनी घटिया लगी रियलमी की तरफ से, क्योंकि यार जब कोई प्रोडक्ट अपग्रेड होता है ना तो हम अपग्रेड सोचते हैं उसका, और इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया। नाम चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो ध्यान से, R2 चिप को भी हटा दिया गया है। हालांकि उसका काम कुछ खास था नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कौन चिप यूज किया इसका नाम ही नहीं बताया। उस चिप का काम था पावर कंजप्शन के लिए और कनेक्टिविटी अच्छा बनाने के लिए। हालांकि कनेक्टिविटी तो अच्छी थी उसकी, लेकिन बैटरी बेकार थी यार रियलमी वायरलेस 2 की, तो हम मानते हैं। उसके बाद सोनी का LDAC हाईरेस ऑडियो हटा दिया यार। सेगमेंट में एक लौता निक बैंड था जिसमें हाईरेस ऑडियो आता था, उससे पहले M31 में देखने को मिलता था भाई, गजब का उसमें काम करता था और इसमें बढ़िया काम करता था, लेकिन हटा दिए। मानते हैं बहुत कम लोग हैं यूज करने वाले इस सेटिंग को, लेकिन जो लोग यूज करते हैं भाई वो तो दुखी हो गए ना, तुमसे बचा लो 100-200। और साथ ही में छोटी मोटी चीज भी हटा दे रहे हो यार। एक थे ऑप्शन था यार इनके ऐप में, इसको डिटैच करो तो जो है कॉल उड़ जाती थी, उस ऑप्शन को हटा दिए हैं। उसके अलावा जो बटन सेटिंग थी बहुत लोग को आदत पड़ गई थी रियलमी में, क्योंकि ये ऑप्शन हमेशा शुरू से मिलता आया है कि भाई अपने बटन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन ही हटा दिए, वहां मैनुअल पकड़ा दिए, मैनुअल देख देख के रटो बैठ के इससे क्या होगा उससे क्या होगा, कसम से यार। चलो कोई नहीं, अब क्या अच्छा की हो देखते हैं। जो हम बोले ना कि नाम नहीं चेंज करना चाहिए था, जैसे वन प्लस वालों ने Z2 NC कर दिया ना, तुम भी वैसे ही बैटरी वैटरी बढ़ा के पावर लिख देते आगे, वो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि अगर उसकी बैटरी बढ़ जाती ना वो नेकबैंड आज ही बढ़ जाता और वायर क्वालिटी चेंज कर देते जो खराब थी उसमें। तो चलो अब बात कर लेते हैं फाइनली आखिर क्या क्या आपको रियलमी वायरलेस 3 में बढ़िया मिल रहा है और जो बेकार मिल रहा है वो तो हमने बता ही दिया है। बाकी फुल कंपेरिजन करने वाले हैं, टाइमलाइन बनाएंगे उस हिसाब से आप देख लेना आपको क्या देखना है, बाकी पूरी वीडियो देख लोगे तो काफी क्लियर रहेगा माइंड। इसके अलावा यार हमने जो है कई सारे नेकबैंड से कंपेरिजन किया हुआ है रियलमी बड्स वायरलेस 3 का, तो वो वीडियो जरूर देखना। और इसका जो पहला रिव्यू किया है ये आप जान लो पूरे YouTube में ऐसा रिव्यू किसने नहीं किया होगा, डेफिनेटली जाके देखना ताकि आप लोग एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंच पाओ कौन से नेकबैंड आपके लिए बेस्ट है। और एक चीज जो बहुत आसान है, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को अगर नहीं किया हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोग को जो लोग इस टाइप का कंटेंट देखते हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में और सच्चा अच्छा कंटेंट लाना तो हमारा काम है ही। और वो कैसे लाते हैं बिना किसी दबाव के वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लुक्स एंड फील की बात कर ले तो भाई डेफिनेटली यार लुक्स बहुत बढ़िया कर दिया गया है, पिछले वाले के हिसाब से काफी प्रीमियम और बना दिया गया है इसको, और यहाँ पे वायर क्वालिटी बहुत उम्दा कर दी गई है। बर्ड्स की डिजाइन है वो वन प्लस से कॉपी की गई है Z2 से। ओवरऑल कैप्सूल वगैरह जो है उसका ज्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा चुभने वाली बात नहीं है, फिर भी ओवरऑल लुक एंड फील है वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रीमियम हुई है। वही बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले उसमें भी बहुत ही अच्छा काम किया, जैसे वायर हमने बताया वायर बहुत अच्छी क्वालिटी का हो गया है, ओवरऑल जॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, कैप्सूल की फिनिशिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन है, वहीं पे भाई बढ़िया सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छे से अपग्रेड की गई है रियलमी वायरलेस 3 में। और मैं बता दें दोनों में ही आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ देखने को मिल जाता है, और इनके मैग्नेट की जो पावर है थोड़ी सी बेहतर मिलती है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 में रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2 के मुकाबले, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं कंफर्ट वगैरह की, तो कंफर्ट यार काफी बेकार लगा था हमें रियलमी वायरलेस 2 का, जब हम लेट के यूज करते थे बिस्तर वगैरह में तकिए वगैरह में तो वहां पे भाई चुभता था ये ईयरफोन। अब लेकिन वायरलेस 3 में थोड़ा सा वन प्लस से कॉपी करके डिजाइन वगैरह का कंफर्ट बना दिए भाई, तो आप लेट के भी यूज करोगे तो उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ हार्ड तकिया रहेगी तो थोड़ा बहुत चुभेगा, लेकिन उसके अलावा कंफर्ट बढ़िया है इसका, चाहे हेलमेट वगैरह पहन के यूज करो चाहे जैसे यूज करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बर्ड साइज बड़े थे यार रियलमी वायरलेस 2 के। अब इन ईयर की बात कर रहे थे तो इन ईयर फिट में भी काफी बेहतर हो गया है रियलमी वायरलेस 2 के मुकाबले रियलमी वायरलेस 3। चाहे हार्ड को रनिंग कर लो जिम कर लो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे अपग्रेड किया गया है 5.3 कर दिया गया, 5.0 था रियलमी वायरलेस 2 में, लेकिन इससे होने से कोई फायदा तो हुआ नहीं भाई, हाईरेस ऑडियो हटा दिया यार है? बाकी ASC SBC कोडेक देखने को मिल जाता है। कॉलिंग एक्सपीरियंस शुरू में बता दिए एकदम घटिया, मतलब इंडोर में कर सकते हो थोड़ा बहुत शोर शराबा में कर सकते हो इसमें रियलमी वायरलेस 3 में, लेकिन सोचो बहुत ज्यादा ट्रैफिक में कर ले थोड़ा बहुत नॉइजी कंडीशन में कर ले तो वहां पे सामने वाला डिस्टर्ब होगा, तुम तो ANC ऑन कर लोगे है, अलग होता है एनवायरमेंट नॉइज कैंसिलेशन अलग होता है, इसे ध्यान रखना। ANC खुद के लिए होता है, ANC जिससे बात कर रहे हो ना सामने वाले के लिए कॉलिंग उसके लिए होता है। तो यार ये आवाज आप सुन रहे हो रियलमी वायरलेस 2 के माइक से, बाकी यार कॉलिंग में बहुत ही जबरदस्त नेक बैंड है ये, और आप लोग को इसकी माइक क्वालिटी कैसी लग रही है खुद ही जज कर लेना। चैनल को सपोर्ट जरूर करना यार, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है हमें अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट बनाने में। तो यार ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है रियलमी वायरलेस 3 नेक बैंड से, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी जज कर सकते हो अपने हिसाब से कैसा आपको लग रहा है, और हमें इंडोर्स में और थोड़े बहुत नॉइजी कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं आती है कॉलिंग वगैरह में। बाकी यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर तो बनता ही है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऐसा मारना कि चमक जाए आपसे हमेशा के लिए और हमारे नोटिफिकेशन आप तक
पहुंचती रहे। और वहीं पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की अगर बात कर ले तो यार यहाँ पे 5 dB का डिफरेंस देखने को मिलता है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2 और रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 में। तो 3 में जो 30 dB का नॉइस कैंसिलेशन है वो कितना बेहतर है, तो यहाँ पे हम बता दें यार 19-20 का फर्क है बस। हमने जितना टेस्ट किया हुआ है सेम नॉइस कंडीशन में, हमने दोनों ही ANC को ऑन करके टेस्ट किया था, तो 19-20 का हमें फर्क समझ में आ रहा था, और ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉर्मल मोड दोनों में ही सेम एक्सपीरियंस देखने को मिला है। तो ओवरऑल ANC सोच के अगर आप अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो मत करना, सिर्फ 19-20 का फर्क है। और भाई बैटरी बैकअप वगैरह भाई ठीक है, अब भाई हाई रेस ऑडियो तुमने हटा दिया तो बैटरी बैकअप तो वैसे ही बढ़ जानी है, ऐसा तो बता रहे हैं बैटरी बढ़ा देते हैं उसमें ना, चलो तो कोई नहीं यहाँ बता दे बैटरी बैकअप के बारे में। तो भाई 25 घंटा 10 मिनट मिलती है रियलमी वायरलेस 3 में, 10 मिनट में 12 घंटे मिलती थी रियलमी वायरलेस 2 में, जो कि 12 घंटे नहीं 8 घंटे रहती थी, बैटरी बड़े बेकार थी उसकी यार। वहीं पे आप फुल चार्ज करते हो 50 मिनट में हो जाता है फुल चार्ज ये रियलमी वायरलेस 3 40 घंटे के लिए, और वहीं रियलमी वायरलेस 2 जो है वो 22 घंटे के आसपास फुल चार्ज होता है, लेकिन अभी भी ये फुल बैटरी बैकअप दिया ही नहीं आज तक। स्टैंड बाई मोड भी इतना घटिया था ना वायरलेस 2 का, भाई रखे रखे बैटरी उतर जाती थी, तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी कर दी गई रियल वायरलेस 3 में। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो गया है विद ANC क्योंकि 5 dB बढ़ा दी गई है, समझ रहे हो, पर ANC के साथ बैटरी बैकअप हम यहाँ दिखा दे रहे हैं 40 घंटे से घट के आ जाएगा 26 घंटे पर 50% वॉल्यूम पर, और ANC के साथ कॉलिंग करोगे तो 19 घंटा हो जाएगा और 20 घंटे विदाउट ANC, तो अच्छा बैटरी बैकअप हो गया यार ये तो मान गए हैं, लेकिन हाई रेस ऑडियो तो हटा दिए ना। वहीं पर रियलमी लिंक ऐप फीचर्स की बात कर लें तो भरे फीचर्स बढ़ चुके हैं यार, नो डाउट इतने सारे फीचर्स भरे पड़े ना, इनका जो सिंगल रिव्यू किया जाके देखना वहां पे, रियलमी वायरलेस 2 के मुकाबले बस दो चीज घटाई गई है, एक तो ऑन ऑफ वाला, मतलब एक तो ये कॉल उठाने वाला हट गया है, ऑन ऑफ वाला फीचर है, और बटन सेटिंग्स वाला वो हट गया है फीचर। उसके अलावा यहाँ पे आपको 4 मोड मिल जाते हैं साउंड्स में, स्पेशल ऑडियो 360 का सपोर्ट मिल जाता है रियलमी वायरलेस 3 में, उसके डायनेमिक बेस का ऑप्शन एक और बढ़ गया है, था उसमें भी इसमें भी, और डुअल डिवाइस कनेक्शन भी यहाँ देखने को मिल जाता है, ये सारी चीजें हैं, और साथ ही में आईफोन में भी सेम टू सेम वैसे ही वर्क करता है इसका रियलमी लिंक ऐप, तभी काम करता था। अब आगे बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस, तो गेमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत उम्दा हो गया यार, रियलमी वायरलेस 2 कहीं नहीं है इसके सामने, क्योंकि यहाँ पे आपको 45 ms की लेटेंसी देखने को मिलती है, उसमें 88 ms की थी वायरलेस 2 में, तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। डेफिनेटली जितने भी गेमर्स है ना वो इसको बाय कर सकते हैं, अगर उनका बजट 2000 रुपए है 2500 रुपए है तो द फाइनेस्ट नेक बैंड फॉर गेमिंग। बाकी लेटेंसी एक्सपीरियंस की बात कर लें, वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लासेस में, मूवीज वगैरह वॉच करते हो, ऑफिस मीटिंग वगैरह करते हो, ना उसमें कोई दिक्कत थी ना इसमें कोई दिक्कत, भाई आराम से कर ले जाओगे, कहीं भी बिलीव अनमैच वाली दिक्कत नहीं आती है। अब आ जाते हैं साउंड क्वालिटी पर, साउंड क्वालिटी में भाई हमें कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा है, हालांकि हाई रेस ऑडियो होने की वजह से उसकी जो साउंड क्वालिटी थी ना, जो लोग हाई रेस ऑडियो यूज करते होंगे वहां पे थोड़ी सी और उमदा हो जाती, थोड़ी क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो लोग हाई ऑडियो नहीं यूज करते थे उनके लिए बता दे कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो लमसम आपको सेम मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेरेनेट करके ऑप्शन है वहां पे थोड़ा सा ये लोग बैलेंस्ड ऑडियो करने की कोशिश किए, वोकल्स को ज्यादा क्लियर करने की कोशिश किए, जो कि क्लासिकल सॉन्ग के लिए ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा हमको समझ में नहीं आया है वो। उसके अलावा नीचे आ जाए भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ओरिजिनल साउंड मतलब टोटली बैलेंस साउंड, जहाँ पे आपको बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ क्लियर सुनाई दे, लेकिन रियलमी चूक गया यहाँ पे, कर नहीं पाया है, ठीक ठाक साउंड मिल जाता है, सब कुछ जो है ठीक मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड नहीं मिलता, समझ रहे हो, प्राइस को देखते हुए इससे बेटर ऑप्शन है मार्केट में। और वहीं पे प्योर बेस आ जाता है, फिर उसका डीप बेस आ जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि प्योर बेस आप बढ़ाते हो थोड़ा बेस बढ़ जाता है, डीप बेस बढ़ाते हो तो थोड़ा सा और बेस बढ़ जाता है, वोकल्स जब जाते हैं, ओवरऑल बेस सेंट्रिक ईयरफोन है, और बाहर आ जाओ तो सारा डायनेमिक वाला, भाई वो इतना भयानक है, मतलब उसको ऑन कर दो तो लगता है भाई फिर ईयरफोन में नहीं सुन रहे हो, चारों तरफ जो है बस डीजे ही डीजे बज रहे हैं, और भन भन जो है एकदम वाइब्रेशन हो रहा है वोकल्स में भी, समझ रहे हो, गाने के वोकल्स में भी वाइब्रेशन हो रहा है सबवूफर का, वो वाली फीलिंग हो जाती है। ओवरऑल बेस और ज्यादा बढ़ गया है रियलमी वायरलेस 2 के मुकाबले, क्योंकि ड्राइवर साइड साइड कुछ बढ़ा है थोड़ा बहुत, ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है अगर उसको सोच के आप अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो मत सोचना, बस बेस ही बढ़ा है, अगर बेस ही बेस चाहिए तुरंत बाय कर। तो यहाँ पे हमारा ओपिनियन, अगर इन दोनों में आप कंफ्यूज हो या फिर वो वाला आप यूज कर रहे हो रियलमी वायरलेस 2, तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए, अगर आप गेमर हो तो आप अपग्रेड कर सकते हो डेफिनेटली नो डाउट, लेकिन अगर आप कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हो उसको तो मत अपडेट करना, अगर आप म्यूजिक के लिए अपग्रेड कर रहे हो तो भी हम कहेंगे भाई बेस उसमें भी है, बेस उसमें भी है, काम चलाओ, बहुत ज्यादा बेस के शौकीन हो तो बदल सकते हो। और उसके अलावा जो लोग हाईरेस ऑडियो यूज करते थे भाई वो तो बिल्कुल भी अपग्रेड ना करें, कि उनको तो लगे ये क्या कर दिया यार। बाकी भाई जिनको भतेरे फीचर्स चाहिए, ऐप सपोर्ट चाहिए, मतलब बस रियलमी के फैन है और उनको जो है अपग्रेड करना ही करना है कि भैया हमको फीचर्स और मिल जाएंगे, थोड़ा सा ANC बढ़ जा रहा है उसके लिए ले लें, ले सकते हो भाई, पैसा है बिल्कुल ले लो, जबरदस्ती को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं भाई, जब तक काम चल रहा चलाओ ठीक है। और वहीं पे जो नए यूजर्स हैं जिनको बाय कर
करना है रियलमी का ही, तो डेफिनेटली यार वो रियलमी वायरलेस 3 की तरफ ही जाएं, वायरलेस 2 खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इतना 2 करोड़ का बैटरी है ना उसका, दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि देखो जब पहली बार एक्सपीरियंस आप करोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा हाईरेस ऑडियो वगैरह का, वैसे ही बहुत मुश्किल है, कंटेंट वगैरह मिलता है नहीं कहीं, कंपनी यही सोच के हटाई होगी हाईरेस ऑडियो की, भाई कंटेंट ज्यादा अवेलेबल है नहीं, ज्यादा लोग यूज करते नहीं है तो पैसे बचा लेते हैं कुछ। यहाँ पे जो नए लोग हैं जिनको फर्स्ट टाइम बाय करना है, उनकी नीड बहुत ज्यादा कॉलिंग की नहीं है, इंडोर कॉलिंग वगैरह करते हैं, ज्यादा शोर शराबे में नहीं रहते, तो उनके लिए बेस्ट नेक बैंड है नो डाउट। और जिनको बेस पसंद है भाई वो तो पागल हो जाएंगे इसको लेके, और जिनको बैलेंस साउंड पसंद है बहुत ज्यादा तो वो भी ना ले, चाहे वो नए हो चाहे पुराने, ठीक है। बाकी हमने एकदम डिटेल में समझा दिया है, अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो कॉमेंट में पूछ लेना, हर एक कॉमेंट का जवाब देते हैं, और इसका डिटेल्ड रिव्यू जरूर देखना तो आप डेफिनेटली श्योर हो जाओगे ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं। कि इन दोनों में से कंफ्यूजन थी वो हमने दूर कर दी है, फिर भी वो कंफ्यूजन तो कमेंट जरूर कर लेना। हाँ यार यहाँ पे एक बात बताते चले, जो हर एक वीडियो में बताते हैं, सारे प्रोडक्ट्स ना खुद हम अपने पैसों से खरीदते हैं, जो कि जनरेट होता है आप लोग के बाय किए हुए प्रोडक्ट से। हाँ यानी जो हमारा एफिलिएट लिंक आप यूज करते हो ना, उससे जो आप प्रोडक्ट बाय करते हो थोड़ा बहुत कमीशन बनते हैं, उनको इकट्ठा करके एक बेस्ट प्रोडक्ट हम बाय करते हैं, एक तगड़ा और जेन्युइन रिव्यू लेकर के आते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रांड का दबाव यहाँ पे रह नहीं जाता है। ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है। चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे अच्छे तगड़े कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। टेक केयर।